अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर जी। आज हम मौजूद हैं CPO साहब उमर शेख साहब के ऑफिस में। उनके बारे में हमने टेलीविजन पे देखा, जो सुना, वो एक हीरो नमा हमें लगे कि लगा के लाहौर के अंदर बहुत तब्दीली आ रही है और जो जो वो काम कर रहे हैं इस तरह सिर्फ फिल्मों में हो सकता है, रियलिटी में बहुत कम होता है। तो ये सब सुना था, मतलब एक इमेज था कि यार मतलब ऐसा कभी हो सकता है या ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो एक डाउट चल रहा था। आज उनके साथ मुलाकात हुई, उनके कुछ प्रूफ्स जो थे वो अपनी आंखों से देखे और कानों से सुने, और उनके साथ जो गुफ्तगू हुई उस गुफ्तगू के अंदर लगा कि वाकई एक नडार मुजाहिद और एक पाकिस्तानी एक मर्द मुजाहिद ऐसा है जिसको अपने मुल्क के साथ, अपने मुआशरे के साथ, लोगों के साथ, इंसानी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है। वो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं और उनकी जो ड्यूटी लगी है वो उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर कुछ करना चाहते हैं, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने कुछ कर भी दिखाया है और कर भी रहे हैं। मैं इनकी इन सलाहियतों को, इसके इनके इस इकदाम को बहुत ज़्यादा मतलब अप्रिशिएट करता हूँ, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको बहुत लंबी ज़िंदगी दे और इस ओहदे पर बहुत टाइम ये फाइज रहें। जब तक ये क्राइम जो है इस मुल्क से ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक हर गरीब आदमी, हर शरीफ आदमी इज्जत की रोटी नहीं खाने लग जाता, तब तक ऐसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इनकी इस सलाहियत को, इनके इस काम को बहुत सराहता हूँ। हमारी पूरी फील्ड, हमारी पूरी थिएटर फील्ड, जहाँ जहाँ भी मेरे साथ रिलेटेड लोग हैं वो इनको बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और हम इनको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और इनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, और हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ दे और इन जैसा सबको बनाए। आमीन।